दोस्तों आपके भी मोबाइल में अगर पिन पैटर्न या पासवर्ड लगा है सैमसंग के किसी मोबाइल में, तो आप बहुत ही इजी तरीके से उसको खोल सकते हैं। उसको खोलने के लिए आपको चाहिए एक डाटा केबल सी टाइप की और एक पीसी चाहिए, और जो आपका मोबाइल है वो चाहिए था। तो उसको खोलने के लिए सबसे पहले डाटा केबल को हम पीसी में लगा देंगे, उसके बाद डाटा केबल को हम मोबाइल में कनेक्ट कर देंगे। ये हम डाटा केबल को मोबाइल में हमने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमको पावर की और वॉल्यूम माइनस दोनों को एक साथ प्रेस करना है जब तक कि मोबाइल हमारा चार्जिंग इसी मोड पर नहीं आ जाए। तो चलिए हमने दबा दिया है और ये हमारे चार्जिंग इसी मोड पर आ गया। जैसे चार्जिंग इसी मोड पर आता है हमको दोनों बटन छोड़ देने हैं और ये हमारा चार्जिंग परसेंट 100 है। उसके बाद हमको पहले वॉल्यूम अप दबाना है, फिर पावर की दबानी है और जैसे ही हमारा सैमसंग गैलेक्सी M21 आता है लिखा हुआ, उसके बाद हमको पावर की छोड़ देनी है और वॉल्यूम अप की दबा के रखना है जब तक कि रिकवरी मोड में ना आए। उसके बाद हमारा रिकवरी मोड में आ चुका है। उसके बाद हमारा हम वॉल्यूम अप डाउन की सहायता से इसको वाइब डाटा फैक्ट्री रीसेट पर ले जाएंगे और उसके बाद पावर की को प्रेस करेंगे। उसके बाद फैक्ट्री डाटा रीसेट, उसके बाद फिर पावर की को क्लिक करेंगे और हमारा फ़ोन जो है रीसेट हो गया है। उसके बाद रीबूट सिस्टम ना हो पावर की पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा सिस्टम रीबूट हो चुका है और हमारा फ़ोन रीबूट द्वारा से ऑन हो रहा है। चलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो को आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि